मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब और एम डी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड सैयद इम्तियाज़ अली शाह ने ईद उल अज़हा के मौके पर आलाइशों को उठाने के इंतजाम का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ इलाकों के दौरे किए। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के जेरे इंतजाम ईद के तीनों दिन मजमूई तौर पर शाम 5 बजे तक मौसूल होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 1 लाख टन आलाइशें और कचरा लैंडफिल साइट मुंतकिल किया गया, जबकि आलाइशें महफूज तरीके से खंदकों में मदफून की गयी। मेयर कराची ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि म्यूनसिपल इदारे सॉलिड वेस्ट और बल्दियाती अमला मुतहरिक रहा, कलेक्शन प्वाइंट से रात तक आलाइशें उठा कर वहाँ चूने का छिड़काव किया जा रहा है। ईद कुर्बा के तीनों रोज ये ऑपरेशन मुकम्मल करने के बाद कलेक्शन प्वाइंट पर चूना क्लोरीन और इसके बाद गुलाब के अर्क का छिड़काव किया जाएगा ताकि कलेक्शन पॉइंट्स पर बैक्टीरियास का खात्मा हो सके। रोजाना की बुनियाद पर भी कलेक्शन पॉइंट्स पर फ्यूमिगेशन का अमल जारी है। मेयर कराची का कहना था कि हम इख्तियारात का रोना रोने के बजाय आवाम की खिदमत पर अमल पैरा हैं और पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो की हिदायत पर अमल करते हुए आवाम की खिदमत कर रहे हैं। ईद पर हमें कराची के आवाम का भरपूर तआवुन हासिल रहा है, कहीं से कोई बड़ी शिकायत मौसूल नहीं हुई। मेयर कराची डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद से ईद मिलने उनके घर भी गए। मेयर कराची ने डिप्टी मेयर को ईद की मुबारकबाद दी। शहर में ईद ऑपरेशन के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। जिला केमाड़ी के दौरे के दौरान केमाड़ी से मुंतखब MPA आसिफ खान और टाउन चेयरमैन हिमायू खान ने मेयर कराची को ब्रीफिंग दी। मेयर कराची ने लियारी पहुंचने पर पीपल्स पार्टी के मुकामी रहनुमाओं, इंतजामिया और अफसरान से भी ब्रीफिंग ली।